आप सब इनको अच्छे से जानते होंगे, शिवानी कुमारी हमारे यूपी की, और वहाँ पर बिग बॉस खेल रही हैं। और आई होप कि हेलो फ्रेंडा, हम बाजार से चप्पल ला रही है, देखो अपनी लैंग्वेज में उन्होंने बोलते, व्यूज लाइक 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसे करके आ जाते थे, 4 मिलियन 5 मिलियन 3 मिलियन 6 मिलियन 11 मिलियन 10 मिलियन 7 मिलियन 8 मिलियन, मतलब क्रॉश। यार बिग बॉस में जाने से आपके स्टारडम में इतनी ग्रोथ मिलती है, ओह माय गॉड, रियली अमेजिंग। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर वीडियो। सो कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबने सही सुना, यस, बिग बॉस में जाने से आपके स्टारडम में, यानी आपके फेम में, आपके मनी में, आपके, अगर मतलब आप छोटे ब्लॉगर हो तो आप बड़े ब्लॉगर बन जाओगे। ऐसा क्यों होता है मैं आप सबको बाद में बताऊंगी, पहले मैं बताती हूँ क्या क्या होता है बिग बॉस में जाने के बाद, मैं आप सबको एग्जांपल दूंगी। तो ये है, आप सब इनको अच्छे से जानते होंगे, शिवानी कुमारी, हमारे यूपी की शान, यूपी बिहार की शान शिवानी कुमारी, जो अभी बिग बॉस OTT 3 के घर में है और वहाँ पर बिग बॉस खेल रही हैं। और आई होप कि वो जीत भी जाए, हम सबकी ब्लेसिंग उनके साथ है, और ऑफ कोर्स जीतेंगी। आप सभी को पता है कि उनको फेम मिली थी टिकटॉक से, लाइक उनका वो वीडियो था जो काफ़ी चला था सोशल मीडिया पर, धूम मचाया था, हेलो फ्रेंडा हम बाजार से चप्पल ला रही है, ये देखो अपनी लैंग्वेज में उन्होंने बोलकर ऐसे ही डाल दिया था। वो हमेशा अपने लैंग्वेज में ही वीडियो बनाती हैं, आप सब उनको अच्छे से जानते होंगे, गांव की लैंग्वेज को फॉलो करती हैं, गांव के रूल को फॉलो करती हैं। और तो आप सब तो इनको बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, शिवानी कुमारी नाम है, और अभी बिग बॉस में गई हैं और पूरा उनके स्टारडम में तो चकाचौंध लग गई है पूरा। ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इनके यूट्यूब चैनल पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, अभी तो बढ़ भी गए होंगे, इनके दिन रात बढ़ रहे हैं, और फॉलोअर्स इनके इंस्टाग्राम पर मैं क्या ही बताऊँ, बढ़ रहे हैं इतने ना कि मैं बोल ही नहीं सकती, आप सब खुद ही देख लो। और जो पहले इनके रील्स पर वीडियोस, मतलब रील्स के वीडियोस थे ना, उस पर व्यूज़ लाइक 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसे करके आ जाते थे, बट अभी के टाइम में आप इनके रील्स वीडियो पर व्यूज़ देखिए 4 मिलियन 5 मिलियन 3 मिलियन 6 मिलियन 11 मिलियन 10 मिलियन 7 मिलियन 8 मिलियन, मतलब क्रॉश, मतलब बन तो सुपरस्टार बन गई स्टार, और हम यही रह गए। बट उन्होंने मेहनत किया और उनके मेहनत का फल एक एक पाई मिल रहा है, और भी मेहनत करें ना यार, प्लीज उसके मेहनत का एक एक पाई दे दो, क्योंकि यार पूरे दिन रात लगाकर मेहनत करता है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, बट मेरे धर्म में तो देखो, खैर कोई नहीं, तो आप सब इनका आईडी देख सकते हो, अभी के टाइम में इनके रील्स पर रीच वाव अमेजिंग, और अब हमेशा यही रहेगा क्योंकि वो बिग बॉस के अंदर एंटर कर चुकी हैं। उनको पहले लाखों लोग जानते थे, करोड़ों लोग जानते थे, लेकिन उनको अब पूरी दुनिया जानती है, लाइक विदेशों में। आप सबको तो पता ही है कि ये टीवी वाला शो है, यानी कि टीवी पे आता है, और बिग बॉस तो हर कोई देखता है, हर किसी का फेवरेट शो होता है, क्योंकि फाइट ऑफ फाइटी होता है, और झगड़ा जहाँ झगड़ा वहाँ लोग तो पहुँचेंगे ही, झगड़ा देखकर भी अच्छा लगता है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, जहाँ लाठी डंडा हो वो नहीं, मतलब बातों से निशाना हो वो वाला, तो झगड़ा देखना किसको पसंद नहीं है। तो ये जो शो है पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में चलता है, और लोग इसको बहुत ही इंटरेस्ट लेकर देखते हैं, बिग बॉस। इसलिए बोलते हैं बिग बॉस में जो जाता है ना, उसके स्टारडम में चकाचौंध लग जाता है, रातों रात स्टार बन जाता है। तो अभी तो हमारी शिवानी भी सेलिब्रिटी बन गई है, वाह, पूरे वर्ल्ड में जानने लगी हैं, तो इसीलिए इनके स्टारडम में ग्रोथ तो होनी ही है, और इनके सब्सक्राइबर फॉलोअर्स के बेस तो हर बढ़ने ही है, बढ़ेंगे क्यों नहीं, मेहनत किया था एक टाइम पे लड़की ने, ताने सुने थे, बात सुने थे, मार सुने थे, पिटाई सुनी थी, तो आज वो सब मिलेगा ही ना, मिला भी चाहिए। तो आप सबने देखा ना, ये होता है मेहनत, और अब भगवान उनको उनके हर मंजिल तक ले जाए, और मुझे भी ले जाए, है ना भगवान, ऐसी मेहनत करने वालों को आशीर्वाद देते रहिएगा। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक से कुछ नहीं जाता, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा हैंड दुखने लगा क्योंकि एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाता, और मैं भी तो अच्छी ही हूँ ना।